नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ मेरे चैनल अभिनव शर्मा के ऊपर। तो अभी वॉइस ओवर के ज़रिए मैं आपसे जो है बात कर रहा हूं, क्योंकि फ़्लाइट के अंदर जो है वो ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सही नहीं है। तो अभी मैं जा रहा हूं इस्तांबुल की, और दिल्ली से इस्तांबुल की फ़्लाइट है टर्किश एयरलाइंस की, और फिर इस्तांबुल से आगे हमारी फ़्लाइट है इस्तांबुल से लेके एम्स्टर्डम तक। तो एम्स्टर्डम हमारी फ़ाइनल डेस्टिनेशन होने वाली है जहाँ तक फ़्लाइट का सवाल है। और अभी ओवरऑल फ़्लाइट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। सो टर्किश एयरलाइंस जो है वन ऑफ़ द बेस्ट एयरलाइंस जो है वो मानी जाती है दुनिया के अंदर। तो अभी मैं आपको अमेनिटीज़ भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में, जो टर्किश एयरलाइन ने सर्व किए हैं जैसे ही फ़्लाइट जो है उसने टेक ऑफ किया उसके थोड़ी देर बाद। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको लेके चलता हूँ नीदरलैंड्स के खूबसूरत सफ़र पर। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल अभिनव शर्मा के ऊपर। एक नए दिन की शुरुआत करते हैं और आज मैं आपके सामने जो है वो लेके आया हूं एक खूबसूरत शहर। यूरोप में घूम रहा हूं मैं और इस वक्त मैं हूं नीदरलैंड्स के अंदर, और नीदरलैंड्स के अंदर घूमते घुमाते पहुँच गया हूँ जी रॉटरडैम। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको रॉटरडैम घुमाता हूँ, और रॉटरडैम जो है ये है एम्स्टर्डम, जो एम्स्टर्डम कैपिटल है नीदरलैंड्स की। और रॉटरडैम ट्रेन राइड करीब 20 मिनट की हाई स्पीड ट्रेन राइड लेके आप एम्स्टर्डम से रॉटरडैम पहुँच सकते हो। तो मैं अपने ट्रिप की जो शुरुआत है वो कर रहा हूँ रॉटरडैम से, और मेरे पीछे जो है आप ये एक कन्वेंशन सेंटर कह लीजिए वो आप देख पा रहे हैं, जो कि बहुत ही फेमस और पॉपुलर है यहाँ पे, जिसका नाम है रॉटरडैम हॉय। और अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, किसी काम के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और चलिए अब नीदरलैंड्स जो है आपको जैसे पता ही है खूबसूरत देश, खूबसूरत कंट्री है नीदरलैंड्स। और सफ़र की शुरुआत जो है मैंने इंडिया से करी थी, तो कल ही पहुँचा हूँ मैं नीदरलैंड्स। और मैंने जो अपना सफ़र शुरू किया था वो दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू किया था। और फ़्लाइट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो मैंने जो अपना स्टॉप ओवर रखा था वो रखा था इस्तांबुल, और मैं टर्किश एयरलाइन से ट्रैवल करना चाहता था जस्ट फॉर एक्सपीरियंस। वैसे आप नॉन स्टॉप भी आप पहुँच सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टॉप ओवर लेके ही एम्स्टर्डम पहुँचना है। तो अगर आप नॉन स्टॉप आते हो तो KLM जो है उसकी नॉन स्टॉप फ़्लाइट है दिल्ली से लेके एम्स्टर्डम तक, और शायद 8 या 9 घंटे की एक नॉन स्टॉप फ़्लाइट है। मैं इसलिए उसको प्रेफर नहीं करता बिकॉज उसके जो फेयर्स है वो नॉन रिफंडेबल है, और अगर कोई चीज़ स्केड्यूल में आपके चेंज होती है तो यू डोंट गेट मनी बैक, सो वो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। और टर्किश एयरलाइंस में मुझे जो था स्टॉप ओवर, सो दिल्ली से इस्तांबुल अप्रॉक्सीमेटली 6.5 घंटे की फ़्लाइट, और उसके बाद इस्तांबुल से आगे एम्स्टर्डम की करीब 3.5 घंटे की फ़्लाइट। और बीच में मैंने स्टॉप ओवर रखा था इस्तांबुल एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए करीब 3 घंटे का, आप कम स्टॉप ओवर लेकर भी आ सकते हैं। जो फ़्लाइट कॉस्ट जो है वो भी डायरेक्ट फ़्लाइट KLM के आसपास ही पड़ती है, सो नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, और आपको इस्तांबुल घूमने को भी मिल जाता है। और अगर आपके पास शेंगेन वीज़ा है तो आप टर्की का भी जो ई वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं, और आप एयरपोर्ट एग्जिट करके अगर आप 1 दिन एक्स्ट्रा 2 दिन एक्स्ट्रा स्टे करना चाहते हो इस्तांबुल के अंदर तो नॉट अ प्रॉब्लम। और इस्तांबुल में स्टॉप ओवर की एक और ख़ासियत है कि आपको इकॉनमी क्लास में भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो 1 दिन की होटल की अकोमोडेशन कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाती है। तो ये बातें भी जो हैं इम्पॉर्टेंट है आपको बतानी, और अगर आप प्लान करना चाहते हो अपनी आइटनरी इस्तांबुल को रख के और आप यूरोप में आ रहे हो तो इस्तांबुल एक बहुत अच्छा स्टॉप ओवर पॉइंट है यूरोप को एक्सप्लोर डेफिनेटली करने के लिए। तो
जैसे आप एम्स्टरडैम एयरपोर्ट पे आप एग्जिट करेंगे, वहाँ पे ट्रेन टिकट काउंटर्स लगे हुए हैं। तो रॉटरडैम पहुँचना कैसे है, तो ट्रेन जो है रेगुलरली चलती हैं एम्स्टरडैम स्किपल एयरपोर्ट से ही और आपको रॉटरडैम सीधे लेके आएंगी। तो करीब 18 से 19 यूरो टिकट प्राइस है और 20 मिनट की हाई स्पीड ट्रेन राइड के बाद आप रॉटरडैम सेंट्रल स्टेशन पहुँच जाएंगे और वहाँ से फिर आप जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है या अगर आपके पास लगे ज़्यादा है तो टैक्सी अगर आप करना चाहते हैं तो आप रॉटरडैम में अपने लोकेशन पर आप पहुँच सकते हैं। रॉटरडैम खूबसूरत शहर है, मॉडर्न आर्किटेक्चर का शहर है और यहाँ पे कई ऐसी मॉडर्न आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और देखने वाली हैं, लेकिन अदरवाइज़ ये फेमस है पोर्ट सिटी के नाम पे। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट सी पोर्ट जो है पूरी दुनिया का रॉटरडैम है और यूरोप में जो भी मूवमेंट होती है गुड्स की, रॉटरडैम बहुत इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल जो है वो पार्ट है उस सारी मूवमेंट का। अपना सफ़र जो है वो जारी रखते हैं और रॉटरडैम नीदरलैंड्स को एक्सप्लोर करते हैं, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव शर्मा, स्वागत करता हूँ आपका एक नए दिन की ओर। तो अभी रॉटरडैम के अंदर ही हूँ और नए दिन की शुरुआत करने लगे हैं और अभी थोड़े दिन से रॉटरडैम के अंदर मैं घूम रहा हूँ और आसपास की कई जो जगहें हैं ज़्यादातर मैंने इनका जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो एक्सप्लोर किया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सीमलेस है और मोस्ट ऑफ जो जगहें हैं वो कनेक्टेड हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से और ट्रैम यहाँ पे बहुत एक कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और मेट्रो भी यहाँ पे चलती है और हाई स्पीड ट्रेन्स भी है। तो आप टिकट निकलवाइए और स्टेशन जो हैं वो सब आपको आसानी से मिल जाएंगे गूगल मैप्स के ऊपर। आप जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, आप जिस भी डेस्टिनेशन पे आप जाना चाहते हैं उसकी आप लोकेशन डालिए और गूगल आपको बता देगा कि आपको कौन सी लाइन लेनी है, कौन सी मेट्रो कितने बजे आएगी, कितने स्टॉप्स है और क्या जो है ड्यूरेशन आपको लगेगी उस पूरे सफ़र को करने के लिए। तो वो सब जो है बहुत बड़ी आसानी से हो जाएगा और कोई ख़ास आपको परेशानी भी नहीं आएगी क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छे से मार्क्ड है, गाइडेड है और सब कुछ बड़े क्लियरली मेंशनड है। तो बहुत अच्छे से आप वो सफ़र जो है वो अपना कर सकते हो। तो जैसे कि अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये एक लोकेलिटी है जहाँ पे अभी मैं हूँ। तो खूबसूरत लोकेलिटी और ये छोटे छोटे जो कनाल्स हैं वो तो आपको पता ही है कि पूरे नीदरलैंड्स के अंदर भरे हुए हैं और ये कनाल्स जो हैं वो शहर के अंदर से होके गुजरते हैं और बहुत कई जगह पे। तो अब जैसे रॉटरडैम है वो एक पोर्ट सिटी है, सो बेसिकली रॉटरडैम एक बहुत बड़ा पोर्ट है और शायद यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट रॉटरडैम ही है। तो यहाँ पे बड़े बड़े कार्गो शिप्स और वेसल्स और क्रूज शिप्स जो हैं वो आते ही रहते हैं और समुंदर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर पे ही आपको समुंदर जो है वो मिल जाएगा और यहाँ से ट्रेड जो है वो पूरी दुनिया को जो है वो जाता है। तो जी अब जा रहा हूँ मैं मेट्रो स्टेशन पे और यहाँ से फिर अब हम लेंगे मेट्रो और टिकटिंग जो है टिकट ऑलरेडी मेरे पास है तो बस स्कैन करेंगे टिकट और ट्रेन बोर्ड करेंगे और अपने डेस्टिनेशन की ओर चलेंगे। तो जो भी चेंजेस बीच में आएंगे, जैसे अगर एक मेट्रो स्टेशन के मेट्रो के बाद अगर आपको दूसरी मेट्रो लेनी है तो जैसे मैंने बताया उसका रूट प्लान आप पहले ही चलने से पहले आप निकाल लो और उसके हिसाब से उसको फॉलो करते हुए फिर आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। और बहुत इकोनॉमिकल है क्योंकि ओवरऑल जो यूरोप है आपको जैसे पता ही है यूरोप के अंदर टैक्सीज बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो वैसे ही यहाँ पे नेदरलैंड्स और यहाँ पे स्पेसिफिकली रॉटरडैम में भी मैंने देखा है टैक्सीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आपको 5-6 किलोमीटर भी जाना है तो 20 या 25 यूरो आपके आराम से लग जाएंगे, सो जो कि रीज़नेबल नहीं है इतने शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। और सो इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को आप फॉलो करो। और जैसे कि आप ये देख रहे हो ये साइकिल ट्रैक्स है, तो नेदरलैंड्स जो है यहाँ पे आपको जैसे पता ही होगा कि बाइसिकल जो है बड़ी पॉपुलर है, तो लोग यहाँ पे बाइसिकल ज़्यादा चलाते हैं। तो ये खास ऑलमोस्ट देखो जैसे पूरे एक सड़क के साइज़ का जो है वो बाइसिकल ट्रैक जो है वो बना हुआ है, तो यहाँ पे लोग जो हैं वो बाइसिकल्स जो है वो ले आते हैं और बाइसिकल ट्रैक के ऊपर जो है वो जो है अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँचते हैं। और पेवमेंट भी है और वहाँ पे जो है ट्रैफिक के लिए भी जो है वो जगह जो है वो बनी हुई है और खूबसूरत है। सामने एक और कैनाल या वाटर बॉडी है, उसके ऊपर देखो ये पुल जो है अभी इसके ऊपर जाएंगे हम, ये बना हुआ है। और यहाँ से फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ मेट्रो स्टेशन और कैसे ट्रेन आती हैं और कैसी लगती हैं ट्रेन। आप देखो कितनी खूबसूरत जो है कैनाल वो देखो।
पूरा आपको मैं दिखा देता हूँ। चलिए स्टेशन पे जाते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको। तो जी पहुंच गया हूं मैं मेट्रो स्टेशन और अभी तो मेरे को मेट्रो स्टेशन जो है खाली लग रहा है ऑलमोस्ट। और यहां पे जो है हम इंतज़ार करेंगे अपनी मेट्रो का, देखते हैं कितने टाइम में आने वाली है। और ये है टिकटिंग के लिए, आपको बस स्कैन करना है यहां पे और जो आपके गेट हैं वो ओपन हो गए। तो अब हम आ गए प्लेटफॉर्म पे, तो ये सामने जो है डिस्प्ले बोर्ड है। तो अब जैसे हमें जाना है यहाँ पे, तो हमारी जो नेक्स्ट ट्रेन है वो स्केड्यूल्ड है 9 मिनट में, तो 9 मिनट में जो है वो यहाँ पे आने वाली है। तो ये आप देख सकते हो मेट्रो स्टेशन रॉटरडैम का, और वो सामने जो है शीडम स्टेशन का नाम। और ये हो गई जी आपके रेल ट्रैक्स, और आसपास में आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने बोला अभी प्लेटफॉर्म पे मेरे को दूर एक जो है पर्सन दिखाई दे रहा, बट अदरवाइज़ मैं ही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से अभी जहाँ मुझे जाना है 30 मिनट का टाइम लगेगा, और फिर आपको दिखाते हैं आगे की जर्नी और रॉटरडैम में और क्या करते हैं और क्या घूमते हैं, बताता हूँ फिर मैं उसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, तो अभी मैं हूँ रॉटरडैम सेंट्रल स्टेशन के ऊपर, और रॉटरडैम से अब मैं जा रहा हूँ आगे एक नई कंट्री बेल्जियम की ओर। तो यहाँ पे अब ट्रेन लूँगा मैं ब्रसल्स के लिए। तो इंटरसिटी जो है और इंटर कंट्री ट्रेन जो जाती हैं नैदरलैंड से आप ले सकते हैं, और रॉटरडैम सेंट्रल स्टेशन से आप अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे 10 मिनट की जर्नी है और पहुंच जाएंगे हम लोग बेल्जियम के अंदर, और बेल्जियम की जो कैपिटल है वहां पे पहुंचेंगे। ब्रसल्स जो है वहां पे हम जाने वाले हैं और ब्रसल्स को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो फिर मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा खूबसूरत कंट्री बेल्जियम, और अभी हम नैदरलैंड से निकल रहे हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में जिसमें हम देखेंगे और घूमेंगे खूबसूरत बेल्जियम को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। दिस इज़ अविनाश शर्मा साइनिंग ऑफ।